अब लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, लोग अब बदलाव चाहते हैं। और दिल्ली के अंदर जो स्थिति बनी है, अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले जानते हैं कि किस प्रकार बार बार सरकार ने उनको ठगा है, गरीबों को किस प्रकार से ठगा है। और दिल्ली की कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो हम सबके सामने है। बिजली के दाम आप जानते हैं, एक साल में 75% बिजली की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्या बात है? क्या बिजली कंपनियों की भाषा बोलती है? बिजली कंपनियों के साथ खड़ी हो जाती है? बिजली कंपनियों के की बात करते हुए लोगों पर बार बार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं उसकी आप हिमायत करती है? पानी के दाम आप जानते हैं, 1700% पानी की कीमत बढ़ी है पिछले 10 साल में। 2.48 रुपए किलो लीटर था पानी, आज 48.50 रुपए किलो लीटर है पानी। उसके बाद दिल्ली के अंदर पानी की स्थिति क्या है? यमुना अगर हमारा जाना होता हो तो आप देखिए, दिल्ली की यमुना किसी गंदे नाले से भी गंदी हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। 2000 करोड़ रुपया यमुना को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार ने खर्च किया है। हम जानना चाहते हैं ये भारी भ्रष्टाचार यमुना के नाम पर जो सरकार ने किया है, कॉमनवेल्थ खेल के नाम पर 75,000 करोड़ का गबन दिल्ली के अंदर हुआ है। और अपराध की स्थिति ये कि महिला सुरक्षा की बात करते और दिन दहाड़े 9 बजे एक युवती, होनहार युवती जो डॉक्टर की पढ़ाई करती है और उसके साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार, दरिंदगी, निवस्त्र करके उसको सड़क पर सर्दी के मौके में उसको सड़क पर चलती बस से गिरा दिया जाता है। आखिर पिछले 1.25 महीने में सरकार कहती है परिस्थिति बदली जाएंगी, कदम उठाए जाएंगे, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन 1.25 महीनों में कोई बदलाव इस सरकार ने किया? क्या इस घटना से कोई सीख ली? क्या दिल्ली की महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं? अरे दिल्ली की महिलाएं तो क्या सुरक्षित महसूस करेंगी, दिल्ली के पुरुष अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। रात को घर पर परिवार के लोग समय से ना पहुंचे तो माँ बाप को बच्चों की चिंता हो जाती है, माँ बाप ना पहुंचे तो बच्चों को माँ बाप की चिंता हो जाती है। और जब घर आ जाते हैं घर के लोग तो एक तसल्ली होती है कि सब लोग घर पर ठीक ठाक पहुंच गए। आज इस प्रकार के हालात हैं दिल्ली में। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि एक बार जोर से हम सब लोगों को खड़े होने की जरूरत है हिम्मत के साथ, और तय करने की जरूरत है कि सरकार को बदल डालेंगे, इन हालातों को बदल डालेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।